हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों GDS इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के रिजल्ट के बारे में। ओके दोस्तों, जो कैंडिडेट 12,828 का फॉर्म भरे थे उन कैंडिडेटों का फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, उस लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो जो भी जिस सर्किल से होंगे वो सर्किल का यहाँ पर आपका शो कर रहा है, वो सर्किल का आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपली उनको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आना है। आने के बाद आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS online.government.in। जैसे इस लिंक को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां इंटरफेस में कुछ ऐसा सीन कर रहा कि एक्सटेंशन टू मणिपुर कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट ऑन ओपन फॉर्म 28/6/2023 से 8/7/2023 तक। मणिपुर वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी फॉर्म भरा रहा है, तो वो सर्किल का आपका रिजल्ट नहीं आया। बाकी जो भी सर्किल हैं सबका स्पेशल ड्राइव मई उन सब कैंडिडेट का रिजल्ट को ओपन कर दिया गया है, यानी पब्लिश कर दिया गया है केवल मणिपुर वाले को छोड़कर। ओके दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर आप चलता हुआ स्क्रीन पर चल रहे हैं उसको। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल ड्राइव मई 2023 लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पब्लिश्ड एक्सेप्ट मणिपुर। मणिपुर को छोड़े सारे सर्किलों का रिजल्ट आ चुका है। ओके दोस्तों, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं? तो आप यहां सिंपली नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं अभी 5 लिस्ट जो पहले वाले आए थे वो यहां पे अभी शो कर रहा है। और यहां देखिए न्यू GDS स्पेशल ड्राइव मई 2023 का रिजल्ट आ गया है। ओके दोस्तों, ये पहले वाला लिस्ट है जिसमें 5 लिस्ट तक आपका शो करवाया किया गया था। ओके दोस्तों, और अभी आपको जो 12,828 पदों पर भर्ती निकली थी उसका फर्स्ट लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशल ड्राइव करके बनाया गया है इसके लिए अलग से। ओके दोस्तों, GDS स्पेशल ड्राइव मई 2023 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटेड। ओके दोस्तों, यहाँ सर्किलों का नाम लिखा हुआ है, वन बाय वन आपको दिखा देते हैं। इस बार भी हाईएस्ट परसेंटेज गया है यहाँ आंध्र प्रदेश का, आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यहाँ शो कर रहा है। असम का है आपका, बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, गुजरात का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, हर सर्किलों का आपका यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट शो कर रहा है। हम एक सर्किल का लिस्ट आपको दिखाते हैं, जैसे कि मध्य आंध्र प्रदेश है, इस लिंक को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिंक को क्लिक किया तो ये आपका आंध्र प्रदेश के सर्किल का रिजल्ट आपके सामने शो करने लगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिखा है GDS ऑनलाइन स्पेशल ड्राइव मई 2023 आंध्र प्रदेश सर्किल फर्स्ट लिस्ट। ओके दोस्तों, उनको कब तक जाना है ये सारा चीज़ इसमें आपका शो कर रहा है। तो देश शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शुड बी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए डिविजनल हेड ऑफिस में कब जाना है, तो कब जाना है 17/7/2023 से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। ओके दोस्तों, द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शुड बी रिपोर्ट वेरिफिकेशन अलॉन्ग ओरिजिनल एंड टू सेट अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी लेके जाना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है, कितना में आपका सलेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया है, डिवीजन दिया है, ऑफिस दिया है, पोस्ट नेम दिया है, पोस्ट कम्युनिटी दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, परसेंटेज दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाना है वहाँ का यहाँ एड्रेस दिया है। ओके दोस्तों, इसी तरह हर सर्किल का दिया हुआ, आप यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का 100% सबका रिजल्ट गया है। ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज आपका शो कर रहा है यहाँ पे ST SC OBC कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनका सबका 100% गया है आंध्र प्रदेश का रिजल्ट है। ओके दोस्तों, ये रिजल्ट का पब्लिश किया गया है तो 7/7/2023 यानी आज ही के दिन ये रिजल्ट पब्लिश किया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको SMS और मेल के माध्यम से उनको उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड email ID पर सेलेक्टेड का मैसेज जाने लगा है। ओके दोस्तों, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, और भी सर्किलों का आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि बिहार हो गया, बिहार का भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर देख सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी आप बिहार वाले सर्किल वाले भी जो कैंडिडेट होंगे वो भी अपना यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो 17/7/2023 से
पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका दो सेट बना के लेके जाना है, टू कॉपी फोटो कॉपी। ओके दोस्तों, और उनको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर हेड ऑफिस डिपार्टमेंट दिया हुआ है कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। ओके, यहाँ पर बिहार का भी जो परसेंटेज गया है 100% इस बार भी 100% हाईएस्ट गया है। टोटल कैंडिडेटों का जो सिलेक्शन हुआ है बिहार में 76 कैंडिडेटों का हुआ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए इस डेट पे आप जा सकते हैं, और 12,828 पदों पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे जीडीएस वाले उनका फर्स्ट लिस्ट आ गया है, तो अपना अपना चेक कर ले, जिनका हो गया हो उनके लिए बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। जो कैंडिडेट का नहीं हुआ वो सेकेंड लिस्ट का वेट करे। ओके दोस्तों, सेकेंड लिस्ट जल्दी ही आएगा। ओके, 17 तारीख के बाद ही आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।